अगर कुछ ज़रूरी है आपको कोशिश करनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर आपको लगे कि मैं नाकाम हूँगा। उम्मीद और मायूसी को मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मुसलसल कोशिश के बारे में जानता हूँ। हमेशा नेगेटिव फीडबैक को तलाश करें और इनको ध्यान से सुने। लंबे अरसे तक की लातालुकी के लिए ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। सब्र एक ताकत है और मैं सबक सीख रहा हूँ, ये एक सख्त सबक है। नए मैदानों में जाने से मत डरें। ज़्यादातर लोग अपनी सोच से कहीं ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कोशिश किए बगैर अपने आप को दूसरों के हवाले कर देते हैं। मैं कभी हार नहीं मानता, या तो मुझे मरना होगा और या पूरी तरह से नाअहल होना पड़ेगा। लगातार कोशिश करते रहें कि आप मजीद बेहतर काम कैसे कर सकती हैं, और खुद से ये सवाल करते रहें कि मुझे लगता है कि मेरे लिए ये एक अच्छा मशवरा है। कौन सा सवाल खुद से पूछना है, ये बहुत मुश्किल काम है और ये आपको सीखना होगा, तब ही आप सही जवाब पाएंगे। इस दुनिया में जिस एक चीज़ की अहमियत है वो इल्म है, और बिना इल्म के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बर्दाश्त बहुत बड़ी खूबी है और इसे सीखना बेहद मुश्किल, फिर भी मैं इसे सीख रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मैं चाहता था कि ऐसी चीज़ों में शामिल हो जाऊँ जो दुनिया को बदल दें। किसी भी काम की शुरुआत ये सोचकर करें कि ऐसा मुमकिन है, तब ही तो ये सोच आई है। छुट्टी लेने वालों को मैं इतना कहता हूँ कि छुट्टी आपको मार डालेगी। मैं ये नहीं कहता कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने डर से बढ़कर कुछ करूँ। मेरे ख्याल में मैं इत्मीनान के साथ ये कह सकता हूँ कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने तरक्की की राह में कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार नहीं किया, हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं। अगर आप किसी कंपनी के बानी हैं, तो आपको हर किस्म के काम करने होंगे जो आप नहीं करना चाहते। अगर आप अपना काम नहीं करते तो कंपनी कामयाब नहीं हो सकती, कोई भी काम मामूली नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि किसी कंपनी को बेचने का मंसूबा अच्छा ख्याल है। अगर आप कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक केक बनाने जैसा है, आपको सिर्फ मुनासिब जगह पे तमाम इज़ार रखने होंगे।